इसके अलावा आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको शिक्षा विभाग समाचार की पीडीएफ फाइल, इसके अलावा सभी भर्तियों की पल पल की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियां और बाकी अन्य भर्तियों की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज 15 नवंबर 2022 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। भास्कर डेली करंट अफेयर्स क्यूज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। उपेन यादव का ट्वीट, युवा साथियों के 38 दिन के सत्याग्रह के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के विश्वास और आश्वासन पर गुजरात से राजस्थान आए थे, किसी कारणवश 9 और 11 नवंबर को मीटिंग नहीं हो पाई थी, इसलिए आज भर्तियों को लेकर सीएमओ में मीटिंग होगी। रीट लेवल 2 पदों में बढ़ोतरी को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, उपेन यादव ने प्रदर्शन किया कर्मचारी चयन बोर्ड सचिव से मुलाकात। प्रयोगशाला सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष पीटीआई भर्ती का दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल 1-2 दिन में जारी हो जाएगा। वीडियो भर्ती का परिणाम 24 नवंबर से पहले आ जाएगा। वीडियो भर्ती के परिणाम के बाद कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम जारी होगा। इसके अलावा सूचना सहायक अध्यापक भर्ती की विज्ञप्ति के संबंध में सचिव ने कहा, सूचना सहायक भर्ती के पदों के वर्गीकरण की जानकारी मांगी है और थर्ड ग्रेड रीट अध्यापक भर्ती के पदों के वर्गीकरण की अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड के पास नहीं आई है। पदों की अभ्यर्थना आने के बाद ही थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी होगी। भास्कर न्यूज, पेपर लीक को लेकर मुख्यमंत्री का बयान। कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक हुआ तो दिवाकर स्कूल की सिर्फ मान्यता रद्द की, जागृति स्कूल पर यह भी निर्णय नहीं किया। रोज बेकार क्यों, बिना आरक्षण 93,000 गेस्ट टीचर की भर्ती निकाली, नियुक्ति से 5 दिन पहले स्थगित, शिक्षा विभाग बीकानेर। रीट स्कूल व्याख्याता और सेकेंड ग्रेड के पदों पर होनी थी भर्ती। मुख्यमंत्री का बयान, सरकारी नौकरियों की भी सीमा होती है, फिर भी हमने 1.33 लाख नौकरियां दी। विद्या संबल योजना पर मुख्यमंत्री का बयान, आरक्षण तो कानूनी प्रावधान हो गया, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। बेरोजगार और बच्चों के सवाल, शिक्षा मंत्री का बयान, योजना शुरू होगी या नहीं शिक्षा मंत्री को पता नहीं, बोले समीक्षा करा रहे हैं। भास्कर युवा शिक्षा अवसर जयपुर, क्लेट आवेदन 18 नवंबर तक, परीक्षा 18 दिसंबर को। ग्रेड 2 भर्ती तारीखों में संशोधन, परीक्षाओं पर नहीं पड़ेगा प्रभाव। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सेकंड ग्रेड सीधी भर्ती लिखित परीक्षा की तारीखों में संशोधन किया गया है। लिखित परीक्षा अब 21 से 27 दिसंबर तक होगी। पहले आयोग द्वारा 17 से 24 दिसंबर तक ये परीक्षाएं निर्धारित की गई थी। परीक्षा में स्कूलों को परीक्षा केंद्र तथा शिक्षकों को वीक्षक के रूप में काम में लिया जाता है। शिक्षा विभाग की ओर से सभी कक्षाओं की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 8 से 20 दिसंबर तक निर्धारित है। इस वजह से आरपीएससी ने संशोधन किया सेकंड ग्रेड। 4 साल में 7 बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में लीक हुए पर्चे, इस साल ही नवंबर तक 4 पेपर आउट, सिस्टम की बड़ी विफलता। सुरक्षा बंदोबस्त करने पाने में असफल परीक्षा एजेंसियां। भास्कर न्यूज जयपुर, प्रदेश में पिछले 4 साल में कौन कौन से पेपर आउट हुए। कांस्टेबल भर्ती 2018, लाइब्रेरियन 2018, जैविन सिविल डिग्रीधारी 2018, कांस्टेबल 2022,
बिजली विभाग टेक्निकल हेल्पर 2022, रीट लेवल 2 परीक्षा 2021 और वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020। 2023 शुरू होते ही ये परीक्षाएं होगी। साल 2023 की शुरुआत में कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं होगी। 6 से 9 जनवरी तक सीईटी स्नातक स्तर की परीक्षा होगी। इसमें 11 लाख उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। और फरवरी में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड कराएगा। लंबित भर्तियों के परिणाम जारी करने की मांग, चयन बोर्ड ऑफिस का घेराव। उपेन यादव, भास्कर न्यूज। 17 तक कर सकेंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन में संशोधन। आरपीएससी ने तिथि बढ़ाई। सेकंड ग्रेड और अन्य भर्तियों में नवज्योति। आरपीएससी प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा आज से। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 संस्कृत शिक्षा विभाग। उप प्रधानाचार्य पद 50% सीधी भर्ती से भरने की मांग। मुख्यमंत्री ने 2 दिवसीय मेगा जॉब फेयर को किया संबोधित। 30,000 नौकरियां देगी निजी कंपनियां, सरकार से एमओयू। जयपुर महानगर 10,000 युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर। विद्या संबल योजना स्थगित। राजस्थान पत्रिका न्यूज। राजसमंद, भास्कर न्यूज। वन रक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण। आरोपी पवन सैनी से पूछताछ में और होंगे खुलासे। पकड़े गए आरोपी 30 से अधिक से लोगों को बेच चुके हैं पेपर। कोचिंग क्लासेस संचालकों की भूमिका भी संदिग्ध। आरोपियों को लेकर राजसमंद पहुंची पुलिस की टीमें। पुतला जलाया, वन रक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक को लेकर अलवर में। गहलोत बोले, पेपर लीक गिरोह का सफाया करेंगे। कहा, देश भर में पेपर आउट होते हैं, राजस्थान की जेलों में सड़ रहे हैं नकल कराने वाले। बढ़ता राजस्थान। जयपुर वन रक्षक भर्ती पेपर आउट पर मुख्यमंत्री का बयान। शिक्षा विभाग 3 व्याख्याताओं सहित 4 का स्थानांतरण। राजस्थान पत्रिका। 65 लाख स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म 5 महीने में भी नहीं मिल सकी, अब और देरी होगी। कोटा। जोधपुर युवा शिक्षा अवसर। आरपीएससी काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को एक और अवसर। बीकानेर युवा शिक्षा अवसर। पीडीएलएड डाइट में प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा अधिक। 32 कॉलेजों में सिर्फ 1600 सीटें। बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 19 तक करना होगा अपलोड। बीएड कॉलेजों की 7000 खाली सीटों पर होगा प्रवेश। पीटीटी काउंसलिंग का शेड्यूल। अजमेर युवा शिक्षा अवसर। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा के आवेदन शुरू। एग्जाम फीस नहीं बढ़ेगी, 1,25,000 स्टूडेंट्स को राहत। बांसवाड़ा। चोरू भास्कर, पढ़ाई पर ताला। कोटा युवा शिक्षा अवसर। नई शिक्षा नीति। सीबीएसई के 50 लाख से अधिक छात्र देंगे आर्यभट्ट गणित परीक्षा। सीनियर सेकेंडरी स्तर के लिए सीटी फोरम 18 नवंबर तक। अब सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी भी जाएंगे अंतर जिला शैक्षिक भ्रमण पर, श्रीगंगानगर। बाजार में ड्रेस सिलाई की कीमत 500 रुपये, सरकार दे रही है 200 रुपये। अब सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी भी जा सकेंगे। जिले के 273 स्कूलों पर समायोजन की तलवार। झालावाड़ जिला। राजस्थान पत्रिका। प्रदेश की स्कूलों का हाल, कौन घंटी बजाए और कौन पानी पिलाए।